नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर। और साथियों, जैसा कि कल और आज से हम देख रहे हैं कि सभी ग्रुप के अंदर वो एक लैंग्वेज प्रयोग करने का जो तरीका है वो हमारे सभी अध्यापक साथी भूल गए हैं। वो बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं रख रहे कि जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उसमें हमारी महिला साथी हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं ये जो भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो, ग्रुप के अंदर हो या हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, तो ये अच्छी बात नहीं है साथियों। एक अध्यापक होता है वो बड़ा धैर्यवान होता है, मृदुभाषी होता है, संयमी होता है। तो ये सब चीज़ें एक अध्यापक बनने के लिए साथियों ज़रूरी है। बिल्कुल भी जब हम ग्रुप खोल के देखते हैं और आपके मैसेज पढ़ते हैं तो बड़ा कहीं ना कहीं मान लो हार्ट को बड़ा पिंच होता है कि हमारे जो भावी अध्यापक, भविष्य के जो 7471 अध्यापक बनने जा रहे हैं वो किस प्रकार की भाषा का इसके अंदर प्रयोग कर रहे हैं। जबकि अध्यापक है वो बिल्कुल मृदुभाषी, सरल एवं संयमी होता है, धैर्यवान होता है। तो मुझे बिल्कुल भी एक ग्रुप देख के नहीं लगता जैसे कि छोटे बच्चे, चलो हो सकता है कि हम ग्रुप डी वाले साथियों का जिक्र करें या सिटी साथियों का जो युवा वर्ग है उसका जिक्र करें, तो कहीं ना कहीं वो तो चलो भी बचपन में ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो अध्यापक वर्ग है वो लगभग आप जानते हो 30+ एज उनकी 30+ है सभी की, और इस प्रकार की वो भाषा प्रयोग कर रहे हैं तो बिल्कुल ग्रुप के अंदर कतई महसूस नहीं हो रहा कि वो साथी भविष्य में अध्यापक बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों ये मुझे कहना पड़ा, जब आपकी भाषा उसके अंदर देखी है कहीं ना कहीं अध्यापक वर्ग के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह भी लगता है। तो साथियों आज की चर्चा है वो रिजल्ट को लेकर रहेगी, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं बतानी जरूरी है, चाहे उस ग्रुप के अंदर मैं हूँ या कोई भी हमारे में से शामिल है। तो साथियों इस प्रकार की भाषा का कतई ही प्रयोग ना करें। जीवन में आपको बहुत सारे मोड़ आने वाले हैं, बहुत सारे आप साथियों से मिलने वाले हो, नए आपके लिंक बनने वाले हैं। इस प्रकार की आप भाषा का प्रयोग करोगे तो आप सभ्य इंसान बिल्कुल भी नहीं हो, आप तो अनसिविलाइज्ड की तरह उसके अंदर बिहेव कर रहे हो जैसे कि छोटा बच्चा करता है। तो साथियों मेरी यही गुजारिश है कि अपनी भाषा है उसके ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि उन ग्रुपों से बहुत सारे हमारी महिला साथी भी जुड़ी हुई हैं और इस प्रकार की जब लैंग्वेज सुनते हैं वो कहीं ना कहीं इस ग्रुप को लेफ्ट भी करने जा रही हैं। और आने वाले समय में हो सकता है हम सभी साथियों को इकट्ठा होने की ज़रूरत पड़े, तो आप इस सीमा को जो आपकी भाषा की सीमा है वो बना के रखें। तो साथियों अब रिजल्ट का जो चर्चा है वो हम शुरू करने जा रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। बार बार कल से यही बात चल रही है कि रिजल्ट कब तक आएगा, हमारे पास भी बार बार यही मैसेज आ रहे हैं और बहुत सारे साथी हमारे वीडियो बना भी रहे हैं और शाम तक और भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन वीडियो से आपको तसल्ली मिलती है और इसके साथ जो खबर होती है वो लगभग हम 100% जब हम श्योर होते हैं तो ही आप तक पहुंचाते हैं, और वो खबर हमें भी कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली देती है। तो हम चाहते हैं हमारे साथियों को वो शेयर करने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें भी मन के अंदर उनके शांति बने रहे, धैर्य बना रहे। तो साथियों रिजल्ट की बात करें तो जैसे आपको बताया था कि मंगल या बुध तक आपका रिजल्ट है साथियों वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी भी साथियों जितने साथियों से हमारी बातचीत हो रही है, आपस में जितने हमारे लिंक हैं, यही मान के चल रहे हैं कि बुधवार शाम तक आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। चेयरमैन साहब है वो किसी अर्जेंट काम से बाहर हैं, जैसे ही वो आएंगे तो आपको फाइल के ऊपर साइन हो जाएंगे और आपका रिजल्ट वो देखने को मिल जाएगा। इस वे के ऊपर भी कई साथियों के ऑब्जेक्शन थे कि चेयरमैन साहब तो चंडीगढ़ में ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। देखो साथियों सारी जो HSC की गोपनीयता है, सीक्रेसी है, वो किसी को पता नहीं है। अगर इतना ही पता हो तो कोई साथी है वो 2 मिनट में रिजल्ट निकलवा ले। जो बातें कहीं हमें कही जाती है उनकी हमें माननी भी पड़ती है, क्योंकि वो साथी उस संस्था से जुड़े हुए हैं और वो साथी जैसे हमें बताते हैं वैसा हम आपको आगे शेयर कर देते हैं। हाँ, उनको आप मानो ना मानो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कोरी फांप नहीं है, जिसको फांप कहते हो ना हरियाणवी में कि फांप मार रहे हैं, कोरी झूठ मार रहे हैं, तो कोरी झूठ नहीं है। कहीं ना कहीं हम उस खबर को कहीं से लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सच्चाई होती है और बात भी आपको उतनी बताते हैं जितनी कि किसी चीज़ को प्रभावित वो ना करें। जितनी जानते तो बहुत सारी इंटरनल बातें भी हम जानते हैं कार्यालय के बारे में, लेकिन वो
पब्लिक डोमेन में बोलना ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। जो हमारे लिए विशेष है कि बुधवार तक आपका रिजल्ट आने के पूरी पूरी संभावना है, 100% बुधवार तक आपका रिजल्ट आ जाएगा साथियों। और अगर इसमें किसी प्रकार की कमी रहती है, एक बार फिर बता दें, क्योंकि बार बार आप फिर उतावले हो जाओगे, मान के चल रहे हैं कि बुधवार को अगर रिजल्ट नहीं आया, मान के चल रहे हैं 100% मान रहे हैं, 99% मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, खुदा ना खास्ता 1% अगर रिजल्ट नहीं आता है, तो शनिवार को जो आने वाला कमिंग सैटरडे है उस दिन को निर्धारित किया गया है, यानी कि जितनी हमारी बातचीत हमारे साथियों से या जितने भी हमारे लिंक हैं उनसे बात हुई है कि बुधवार को 100% आपका रिजल्ट है साथियों वो दे दिया जाएगा, लगभग लास्ट मान के चल रहे हैं। इसके बाद अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश है टाइम में तो वो शनिवार तक हो सकती है। शनिवार के बाद हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप और ज़्यादा वेट करें, लेकिन हो सकता है कि बुधवार से शनिवार, इतना तो हमें आगे पीछे टाइम है वो साथियों देखने को मिल सकता है। तो साथियों, जैसे कि कुछ साथियों ने कह दिया था कि 20 से 17 से पहले आ जाएगा, देखो साथियों कोशिश पूरी कर रहे हैं, हम भी आपकी तरह हैं, 100% अपना दे रहे हैं, जो भी साथी इस मुहिम में लगे हुए हैं वो सभी चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिले, लेकिन कुछ अड़चने हैं कार्यालय की जो हम सब बातें आपको नहीं बता सकते। तो जल्दी आपका रिजल्ट, सभी HSC भी साथियों इतनी ज़्यादा उतावली है, आपको रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठी है कि इस बार हम बार बार उस बात को अगर हम बार बार आगे पीछे करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे साथियों की इमेज भी ख़राब होती है। लेकिन साथियों, सभी साथी मजबूर हैं क्योंकि प्रॉपर एक डेडलाइन देना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि भर्ती है वो धीरे धीरे अपने डेस्टिनी की ओर बढ़ रही है और बुधवार मैक्सिमम मान रहे हैं और द मोस्ट जो टाइम ले सकती है ये भर्ती, शनिवार का दिन पकड़ सकती है। उसके बाद हम ये नहीं कहेंगे कि आप और वेट करो या इसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं करेंगे, लेकिन साथियों अगर चर्चा नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप उतावले हो जाते हो और बार बार उसके बारे में मैसेज करते रहते हो, रात भर आप 10, 11, 12 बजे तक मैं देख रहा हूँ कि आप उठ के जागते रहते हो। तो साथियों सबसे पहली बात, 10 बजे आराम से सो, सुबह आराम से अपना उठो, रिजल्ट है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, आप मैक्सिमम बुधवार मान लो और जो वर्स्ट स्थिति बन सकती है वो शनिवार की बन सकती है, पहले ही बता रहा हूँ, शनिवार शाम को 101% आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो बुधवार मान के चल रहे हैं कि बुधवार तक आपका रिजल्ट आएगा। और हो सकता है, देखो चेयरमैन साहब बाहर हैं तो एक आधा दिन आगे पीछे भी उसमें हो सकता है, मैक्सिमम शनिवार है वो हमें दिया गया है कि शनिवार तक आपको 100% रिजल्ट है वो साथियों मिल जाएगा। इसके अलावा कोई नई अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर बताएंगे साथियों, एक भी जो अपडेट आती है वो हमारे मन के अंदर हम बिल्कुल नहीं रखते, आप तक पहुँचाते हैं ताकि आपका मन है वो कहीं ना कहीं डोले ना। और जिस प्रकार की आप ग्रुपों के अंदर चर्चा कर रहे हो, आपस में एक दूसरे को आप कह रहे हो, तो इन बातों को थोड़ा आप अध्यापक वर्ग से हो और अध्यापक वर्ग को सबसे सर्वश्रेष्ठ समाज के अंदर माना जाता है, और वो साथी अगर इस तरह से बिहेव करेंगे तो इस समाज से हमको कोई और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। एक अध्यापक जब ऐसा बिहेव करेगा तो और साथियों का क्या होगा। तो साथियों आप एक अध्यापक हो, मैं भी बहुत सालों से, आज का नहीं बहुत पुराना अध्यापक हूँ, ठीक है, 7-8 साल टीचिंग लाइन का भी एक्सपीरियंस है और अब भी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो साथियों ऐसा बच्चों वाला बिहेव आप ना करें, अपनी सीमाएं वो जानें, एक अध्यापक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं वो आप समझें। और एक बार फिर कहूँगा साथियों, थोड़ा सा संयम और बनाए रखो, जब हमने 1 साल से ऊपर का इंतज़ार किया है तो 2-4 दिन में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, अपनी भाषा है, अपनी इमेज है, वो बिल्कुल आपको ख़राब नहीं करनी है, सब चीज़ें बढ़ा के रखो। और जो नए साथी जुड़ते हैं वो अगर उनको थोड़ी बहुत वीडियो में कुछ लगता है कि सर सही बताते हैं, तो साथियों सब्सक्राइब भी आपका बड़ा भाई मान लो या आपका अध्यापक साथी मान लो, ठीक है, आपके हम परिवार की तरह हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, चैनल को, आपका अपना चैनल है, स्पेशल TGT भर्ती के लिए ही बढ़ा हुआ है। और साथियों जो भी अपडेट आएंगी
आगे हम आपको देते रहेंगे। आप समझ रहे हो कि पिछले कुछ समय से स्कूल के अंदर ज़्यादा बिजी रहने की वजह से क्लासें हैं वो भी ऑनलाइन मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि साथियों को सबसे पहले TJT का रिजल्ट मिले और उसके बाद आगे के साथी हैं वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। तो साथियों जल्द ही आपको बधाइयाँ हैं वो मिलने वाली है, आस पड़ोस से खुशी का माहौल है वो जल्द ही आपका, भगवान करे कि आपको जल्दी वो दिन देखने को मिले जब आपके पड़ोसी आपसे पूछें कि देखो ये सरकारी अध्यापक है लग चुके हैं। तो साथियों अपनी इमेज है वो बिल्कुल भी आप खराब ना करो, मेरा तो यही कहना है। बाकी साथियों आप खुद समझदार हो, कोई बच्चे तो हो नहीं, सारे 30+ हो, तो आप अपनी जिम्मेवारियां घर परिवार की सब कुछ आप जानते हो। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और चाहते हैं कि आपकी लिस्ट है वो जल्द ही स्क्रीन पर हो। टिल देन साथियों टेक केयर।